बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी की टीम निकली है। ईएसआई अस्पताल की तरफ ये टीम जा रही है, जहां पर इन दोनों की मेडिकल जांच की जाएगी। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी इस वक्त ईडी की हिरासत में है। 3 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में इन्हें भेजा गया है। इनके 2 ठिकानों से 50 करोड़ से ज्यादा का कैश, कई किलो सोना, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, ये सब कुछ मिल चुका है। ये पैसा कहां से आया, किस तरीके से घोटाला किया गया, अर्पिता मुखर्जी का इसमें क्या रोल था, पार्थ चटर्जी का क्या रोल था, ये सारी बातें ईडी अभी खंगालने की कोशिश कर रही है। ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस बीच दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए ईडी की टीम निकल चुकी है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, जिसमें ईडी की टीम पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईएसआई अस्पताल की तरफ जा रही है, जहां पर इन दोनों की मेडिकल जांच की जाएगी। सवाल यह है कि अभी तो 4 और लग्जरी गाड़ियां गायब होने की जानकारी भी मिल रही है, और ईडी को इस बात का शक है कि अर्पिता के घर से जो 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हुई हैं, उन गाड़ियों को गायब किया गया है और उसमें बड़ी तादाद में कैश हो सकता है। 50 करोड़ से ज्यादा का कैश 2 बार की गई छापेमारी में ही मिल चुका है, अभी और कैश हो सकता है, ये आशंका ईडी को है। लेकिन उससे पहले मेडिकल जांच की जाएगी, और ईडी की टीम इन दोनों को लेकर अब ईएसआई अस्पताल की तरफ जा चुकी है। ममता बनर्जी का भी इस पर बयान आ चुका है। ममता बनर्जी की पार्टी अब पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई भी कर चुकी है। जिस वक्त ये घोटाला हुआ, उस वक्त बंगाल के शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी। उसके बाद उनका मंत्रालय तो बदल गया, लेकिन वो बंगाल सरकार में मंत्री बने रहे। इस बीच अर्पिता मुखर्जी ने यह भी कहा है कि मेरे घर को मिनी बैंक बना दिया गया, जितने पैसे इस रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान मिले हैं, वो मेरे नहीं है, ये सारे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ चटर्जी यहाँ पर हर 10 दिन में आते थे, ये सारा पैसा उन्हीं का है, जब आते थे तब कैश लेकर आते थे। बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला कितना बड़ा हो सकता है, इसका सिर्फ अंदाजा ही हम लगा सकते हैं। पहली बार की छापेमारी में करोड़ों रुपए का कैश, फिर दूसरी बार की छापेमारी में और करोड़ों रुपए का कैश, 2 बार की छापेमारी को मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है, 5 किलो से ज्यादा सोना मिल चुका है, कई ज्वेलरी मिल चुकी है और प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके हैं। लगातार जारी है कि देखिए किस तरह, और साथ ही एक और जानकारी देखिए हम आपको बता दें कि हमारे काफिलों को किस तरीके से रोकने की कोशिश ऐसे की जा रही है, क्योंकि देखिए जो सीआरपीएफ की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों को बार बार मीडिया की गाड़ियों के आगे लगा दिया जा रहा है, ताकि शायद हम उन्हें कवर ना कर पाए। ये पार्थ चटर्जी को हम आपको दिखा देंगे, इधर अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा उतरिए। पार्थ चटर्जी देखिए ये इस गाड़ी के भीतर आप देखिए पार्थ चटर्जी फिलहाल मौजूद है, आपको हम तस्वीर दिखा रही है। देखिए इस गाड़ी में पार्थ चटर्जी को लेकर के जाया जा रहा है, और ठीक उसके आगे की गाड़ी में अर्पिता मुखर्जी मौजूद है। फिलहाल देखिए किस तरीके से यहाँ पर पार्थ जी क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अभी देखिए पार्थ चटर्जी कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, और देखिए किस तरीके से वो चुप्पी साधे हुए। पार्थ जी उनकी गाड़ी देखिए थोड़ी सी आगे जरूर निकल गई है, हम कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि उनको हम फॉलो करते चले, और फिलहाल वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ भी कहने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीछे लगाइए उसके। देखिए इसी गाड़ी के भीतर पार्थ चटर्जी मौजूद। बिल्कुल अमनदीप, हम आपको यही लेकिन बैठ पाएंगे जल्दी, अरे निकल गया काफिला। हेलो नंबर प्लेट फोकस कीजिए। ये वो गाड़ी है जिसमें पार्थ चटर्जी को लेकर जाया जा रहा है, अर्पिता मुखर्जी को भी अब ईएसआई अस्पताल ले जाया जा रहा है।
इन दोनों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। ईएसआई अस्पताल की तरफ जाती हुई गाड़ी दिखा रहे हैं, जो सामने आपको एक मरून कलर की गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है, जिस WB02A7J9547। तो ऐसे में इसी गाड़ी के भीतर पांच चैटर्जी सवार हैं। उनसे हमने पूछताछ करने की कोशिश भी की, लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ हमें एक अलग सा एक अजीब सा लुक दिया और बिल्कुल वो चुप रह गए। उन्होंने अपना मास्क ऊपर किया और उसके बाद से उन्होंने चेहरा घुमा लिया, यानी कि वो मीडिया के सवालों से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, हम आपको वो तस्वीर लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से इसी गाड़ी के भीतर में पार्थो दा मौजूद है। उनसे पूछा गया जब सवाल, मैंने ये पूछने की उनसे कोशिश की कि पार्थ जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज आपका मेडिकल होने जा रहा है, लेकिन आप पर कई आरोप लग रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे अपने सफाई में? उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और वो अभी फिलहाल देखिए इसी गाड़ी के भीतर मौजूद है। हम आपको वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। हॉर्न देने दीजिए, हटाइएगा मत, हटाइए मत। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल उस तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ईडी का काफिला, सीआरपीएफ का भी काफिला आगे चल रहा है और लगातार हमारी गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश सीआरपीएफ की गाड़ियों की तरफ से की जा रही है, ताकि उनके काफिले को हम ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पाए, वो बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ठीक उसी मरून कलर की गाड़ी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसी मरून कलर की गाड़ी में पार्थो दास सवार हैं। उनको ईएसआई हॉस्पिटल जो कि जोका में स्थित है वहां लेकर जाया जा रहा है, उनका मेडिकल होगा। और मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट का और रास्ता बचा हुआ है और उसके बाद से इसी 20 मिनट के रास्ते के बाद से वो ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और जहां पर जैसे ही वो उतरेंगे हम उनसे एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आरोप, जो जघन्य तरीके से आरोप उन पर। ये वो गाड़ी जिसमें पार्थ चटर्जी को इस वक्त लेकर जाया जा रहा है ईएसआई अस्पताल की ओर, जहां पर ईडी की टीम उन्हें ले जा रही है और वहां पर उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। इसके साथ साथ अर्पिता मुखर्जी को भी लेकर जाया जा रहा है, जो कि पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जाती हैं। अर्पिता मुखर्जी के ही ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है, सोना मिला है और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, और बताया जाता है कि यह सब शिक्षक भर्ती घोटाले की वजह से ही है। अर्पिता मुखर्जी ने हालांकि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जो भी कैश यहां पर मिला है ये सब पार्थ चटर्जी का है, वही यहां पर हर 10 दिन में आते थे और जब आते थे तब कैश लेकर आते थे।